नमस्कार स्टार अभी तक में आपका स्वागत है। खबर सीबीआई से जुड़ी हुई है जो थानेदार रही महिला थानेदार रही रूपा तिर्की मौत मामले से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को सीबीआई की टीम ने मनीषा कुमारी सब इंस्पेक्टर मनीषा कुमारी से लगभग 5.5 घंटे तक पूछताछ की है। मनीषा कुमारी वही है जो रूपा तिर्की के क्वार्टर में संयुक्त रूप से दूसरे कमरे में रहती थी, यानी रूपा तिर्की की रूममेट थी। वह उसी क्वार्टर में रहती थी जहां रूपा तिर्की रहती थी। रूपा तिर्की एक कमरे में रहती थी, दूसरे कमरे में मनीषा कुमारी रहती थी। यहां बता दें कि 3 मई को फंदे से लटके मिली रूपा तिर्की के शव मिलने के बाद उसकी माँ 4 मई को साहेबगंज आई थी और साहेबगंज में उन्होंने पुलिस अधीक्षक का आवेदन देकर मनीषा कुमारी पर सीधा आरोप लगाते हुए प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा था कि आत्महत्या में उनका मनीषा का पूरा हाथ है, उसके प्रताड़ना का पूरा हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी इस बिंदु को उठाया गया था। इस बिंदु पर सीबीआई ने अब जांच शुरू की है। 15वें दिन मनीषा कुमारी से गहन पूछताछ हुई है, 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। मनीषा कुमारी फिलहाल नगर थाना क्षेत्र के एक पुराने स्टेटमेंट गली में एक किराए के मकान में रहती है, जहां सुबह 11 बजे सीबीआई की टीम पहुंची और लगभग 5 बजे तक गहन पूछताछ की, 5.5 घंटे तक लगभग पूछताछ की बात सामने आ रही है। इस दौरान सीबीआई ने कई प्रश्नों को पूछा है। सूत्रों का दावा है कि रूपा तिर्की की मां के द्वारा किए गए दावे के अनुरूप उससे पूछताछ की गई है। हालांकि यह उसने क्या बताया, पूछताछ में क्या हुआ है, यह किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रूपा की मां ने जो आरोप लगाया था उसी आरोप के आधार पर मनीषा सब इंस्पेक्टर मनीषा से, जो रूपा की बैचमेट भी है, रूममेट भी है, सहयोगी भी रही है, उनसे गहन पूछताछ की है। लगभग 5.5 घंटे तक पूछताछ की है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस मामले को कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को उठाया गया था। पूरी खबर स्टार भारत अभी तक।